जिंदगी में प्रॉब्लम का आना पार्ट ऑफ लाइफ होता है, लेकिन उससे लड़ना आर्ट ऑफ लाइफ होता है। आपने ना जाने कितनी वीडियोस देखी है, तरह तरह की वीडियोस देखी है कि प्रॉब्लम के वक्त क्या करें, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, प्रॉब्लम से कैसे निपटे, प्रॉब्लम को कैसे फेस करें और ना जाने क्या क्या। तो इस प्रॉब्लम का आज किससे ही खत्म कर देते हैं। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक सर की कहानी। देखिए, मैंने पहले भी कम्युनिटी टैब में अपनी यूट्यूब फैमिली से पूछा था कि आप कहानी से मोटिवेट होते हैं या स्पीच से, तो बहुत से लोगों ने स्पीच कहा था। तो देखिए, मैं आपको कह दूं कि आप मेरा कहा हुआ भूल सकते हैं, आप मेरी स्पीच भूल सकते हैं, लेकिन आप एक कहानी कभी नहीं भूल सकते। आपको कहानी की एक एक लाइन याद रहती है कि कब क्या हुआ था और इस कहानी से किस तरह की सीख मिली थी। तो जब भी आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए तो इस कहानी को याद कर लेना। ये कहानी है एक सर की। एक बार एक सर क्लास में आए और सारे बच्चों के हाथ में एक कोरा व्हाइट कलर का पेपर दे दिया। जब बच्चे ने उस पेपर की तरफ देखा तो उस पेपर के बीच में एक छोटा सा काला दायरा बनाया हुआ था। उस पेपर के सेंटर में एक ब्लैक छोटा सा सर्कल बना हुआ था। जब सर ने पूछा कि बच्चों आपको उस पेपर में क्या दिख रहा है, तो सारे बच्चों ने कहा कि सर पेपर के बीच में एक काला सर्कल बना हुआ है। सर ने फिर से पूछा कि बच्चों आपको उस पेपर में क्या दिख रहा है। बच्चों ने फिर वही कहा कि पेपर के बीच में एक काला सर्कल बना हुआ है। सर ने फिर पूछा, बच्चों ने फिर वही जवाब दिया। करीबन 10 से 12 बार सर ने बच्चों को पूछा कि तुम्हें उस पेपर में क्या दिखाई दे रहा है। बच्चों ने हर बार वही जवाब दिया कि सर हमें पेपर में छोटा सा काला सर्कल बना हुआ दिख रहा है। फिर सर ने बोला कि बच्चों मैंने तुम्हें कितनी बार पूछा कि तुम्हें उस पेपर में क्या दिखाई दे रहा है, तुमने हर बार उस छोटे से सर्कल के बारे में बताया, क्या तुम्हें उस सर्कल के बाहर इतना बड़ा सफेद कलर का पेज नहीं दिखा। हम भी तो यही करते हैं ना यार। खुदा ने इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, उसमें जरा सी प्रॉब्लम क्या आ जाती है उसे ही लेकर बैठ जाती है। जरा उस प्रॉब्लम के बाहर निकल कर देखो, बहुत बड़ी जिंदगी है। मैं आपसे फिर कहता हूं कि जिंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम के बाहर निकल कर सोचो। जितना आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे वो प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ेंगी। और मेरी ये बात याद रखना, जिस इंसान ने प्रॉब्लम के वक्त मुस्कुरा दिया उसकी प्रॉब्लम आधी वैसी ही सॉल्व हो जाती है। मुस्कुराते रहिए जिंदगी में, बस जिंदगी में मुस्कुराते रहिए। प्रॉब्लम का क्या है, प्रॉब्लम तो आती जाती रहेगी, आप मुस्कुराते रहिए बस।